Moments after the Bombay High Court granted bail to Maharashtra's former Home Minister and NCP leader Anil Deshmukh in a corruption and abuse of power case filed by the CBI, it was put on hold for 10 days as the CBI sought time to challenge the bail in the Supreme Court. Deshmukh had first sought bail in the case as soon as the Bombay High Court granted him bail on the 4th of October in a money laundering case registered against him by the Enforcement Directorate, but a special court had rejected his application. The NCP leader was arrested on the 2nd of November in 2021 and has been in judicial custody. महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। पिछले साल नवंबर महीने में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इस पर बातचीत करने के लिए उनके वकील इंद्रपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जब पिछले साल उनकी गिरफ्तारी हुई थी, पहले मनी लॉन्ड्रिंग का केस आया, बाद में करप्शन का केस आया, क्या कुछ हुआ अदालत में? अभी उन्हें ज़रूर जमानत दी गई है लेकिन वो बाहर नहीं निकलेंगे, इस प्रक्रिया को आप समझाएं। आज माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश साहब ने पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र शासन के श्री अनिल देशमुख साहब को सीबीआई केस के अंदर जामीन मंजूर कर दी है। 1 लाख रुपए के मुचलके के ऊपर उनको जामीन मंजूर हुई है और ये जामीन ये मद्देनज़र रखते हुए की गई है कि करप्शन का कोई केस इनके खिलाफ प्राइमा फेसाय मेड आउट नहीं हो रहा है और वो हिसाब से कई शर्तों के ऊपर ये जामीन दी गई है। इस जामीन के अंदर शर्तें ये है कि वो बॉम्बे छोड़ के नहीं जा सकते और उनको हर मंगलवार को 10 से 12 के बीच में सीबीआई के ऑफिस में जाना होगा। जब तक ट्रायल चल रही है तब तक सीबीआई को उनका इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करना पड़ेगा। हमने हमारे युक्तिवाद में ये कहा था कि जो 100 करोड़ का घोटाला था, एजेंसी खुद भी उसके ऊपर पता नहीं, एजेंसी के पास कुछ पेपर नहीं है। एजेंसी ने 4 करोड़ 17 लाख पर आ गई थी, 4 लाख 17 के बाद में एजेंसी आ गई थी 1 करोड़ 17 के ऊपर और 1 17 भी वो साबित नहीं कर पाई किसके पास है किसके पास नहीं है, कहाँ से आया कहाँ गया, ये बिल्कुल भी स्टेब्लिश नहीं कर पाए। उनके पास में कोई पेपर नहीं था। इसके बाद हमने 164 के स्टेटमेंट जो कि मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं, ऐसे सारे स्टेटमेंट वो हमने कोर्ट के सामने रखे, जो कि 164 का स्टेटमेंट ये होता है कि आदमी अपनी बात से मुकर नहीं सकता है। तो ऐसा स्टेटमेंट लिया गया था राजू भुजबल जो डीसीपी हैं उनका और संजय पाटिल एसीपी हैं उनका और बाकी के जो विटनेसेस हैं तो बैती वगैरह सीए वगैरह उन सबका स्टेटमेंट लिया गया था। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि हमारे पुलिस फोर्स में नंबर वन जो होता है वो कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है और नंबर वन हमने कोर्ट में साबित कर दिया कि नंबर वन कमिश्नर ऑफ पुलिस है। तो जो भी पैसा इकट्ठा कर रहा था एक्सटॉर्शन के अंदर वो नंबर वन परमवीर सिंह कर रहा था और हमारे पे कोई घोटाले का आरोप सिद्ध हुआ नहीं है। ठीक, लेकिन अभी जो अदालत की ओर से फैसला है उसमें ये कहा गया है कि फिलहाल वो 10 दिन तक तो कम से कम बाहर नहीं निकलेंगे, क्या वजह है? बिल्कुल, क्योंकि उनको फेयर अपॉर्चुनिटी दी गई है कि उन्होंने सीबीआई को उन्होंने कहा कि हम इस ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है तो हमको सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगानी है और उनको अपील करने का पूरा पूरा मौका दिया गया है वहाँ। सर, क्या दलीलें थी जब आप लोग अदालत गए थे? शुरुआत जिस तरह से परमवीर सिंह की ओर से कहा गया, 100 करोड़ रुपए के आरोप लगाए गए कि 100 करोड़ रुपए की वसूली के पहले आरोप लगे, फिर करप्शन के आरोप लगाए गए, 2 मामले रजिस्टर हुए, आप लोगों की क्या क्या दलीलें रही पहले तो आपने कहा, उसके अलावा और भी क्या दलीलें थी जो आपने अदालत के सामने रखी जिसके बाद ये जमानत मिली? नहीं, हमारी मेन दलील ये थी कि चार्जशीट में उनके पास में 3 मुद्दे थे। पहला मुद्दा था कि ये कलेक्शन ऑफ फंड करके जो बाहर से कलेक्शन ऑफ मनी का है करके उन्होंने चार्जशीट अधूरी फाइल की है, पूरी चार्जशीट उन्होंने फाइल की हुई नहीं है। तो हमारा पहला मुद्दा हुआ था कि उन्होंने ट्रांसफर एंड पोस्टिंग वगैरह के ऊपर अभी तक उनके पास टाइम ही नहीं मिला और सीबीआई ने वो चार्जशीट जो है वो इनकम्प्लीट फाइल की है। दूसरा मुद्दा हमारा ये था कि 100 करोड़ का घोटाला था जो कि जाकर रुका 1 करोड़ 17 लाख के ऊपर और 1 करोड़ 17 लाख भी कहाँ आया, तो ट्रस्ट में आया, संस्थान में आया। तो किसने दिया, किसको दिया, लोन था, डोनेशन था, ये कुछ भी कोई डॉक्यूमेंट सीबीआई के पास में उसका नहीं है। तो सीबीआई बिना आयोटा ऑफ एविडेंस, बिना सर पैर के वो 1 17 लाख का भी दावा कर रही है। और उसके बाद हमने बताया कि 164 के स्टेटमेंट दिए कि हम नंबर वन नहीं है, ये युक्तिवाद हमने किया। अब 10 दिन का समय दिया गया, अगर 10 दिन में सीबीआई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है या उन्हें और समय लगता है तो क्या होगा? 10 दिन अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती तो 11 तारीख 11वें दिन ये ऑर्डर इफेक्टिव हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली बेल पे रिलीज हो जाएंगे।